जलपाईगुड़ी भाजपा एसटी मोर्चा के अध्यक्ष चुने जाने पर घूरन उड़ाव का आज भव्य स्वागत। देखिए खबर विस्तार से। आज जलपाईगुड़ी भाजपा आदिवासी मोर्चा कमेटी की ओर से बानरहाट तरुण संघ क्लब भवन में एक विशेष सभा का आयोजन किया गया। इस सभा के दौरान धूपगुड़ी उत्तर पूर्व मंडल के सभापति उमेश यादव मुख्य रूप से उपस्थित थे। जलपाईगुड़ी आदिवासी मोर्चा कमेटी के जिला अध्यक्ष घूरन उराव को चुने जाने से स्थानीय बानरहाट एवं द्वार्स के आदिवासी मोर्चा के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखा गया। यहां कई भाजपा नेताओं ने आदिवासी मोर्चा के जिला अध्यक्ष चुने जाने पर घूरन उराव का भव्य स्वागत किया। सभी नेताओं ने बारी बारी से जलपाईगुड़ी जिला भाजपा आदिवासी मोर्चा कमेटी के जिला अध्यक्ष चुने जाने पर घूरन उराव को अंग वस्त्र उड़ाकर एवं फूल का गुलदस्ता देकर भाजपा नेताओं ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम में कई भाजपा नेताओं ने अपने विचार भी रखे। आदिवासी मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगे की रणनीति पर चर्चा की एवं 2021 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी नेताओं ने अपने अपने वक्तव्य के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं एवं भाजपा आदिवासी मोर्चा के कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भरते नजर आए। देखिए एनईआई द्वार्स न्यूज का यह विशेष रिपोर्ट। हम एसटी के कमेटी बना दिए, ब्लॉक कमेटी बना दिए, मंडल कमेटी बना दिए, लेकिन हमारे अंदर की जो ऊर्जा अपने तो मेहनत करना पड़ेगा, उसको दौड़ना पड़ेगा। जैसे हमारे दौड़ता है अपनी से एक चंदी डिस्ट्रिक्ट में सेकंड एक कमेटी का लेकर चर्चा हुई रहे, लेकिन उस तरह का नेतृत्व तो हम इनमें नहीं पाए। तो आगामी दिन में पूरन जी, आज का जो कार्यक्रम आप लोगों का है, इसका क्या उद्देश्य है? आज का कार्यक्रम बीजेपी का एक मोर्चा जो दल है, उनकी मोर्चा कमेटी आज बन रहा है, जिसमें मुझे देखने मिला है राज्य से की डिस्ट्रिक्ट। आज का जो कमेटी बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी का एक मोर्चा दल है, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, जिसमें मुझे मिला है एसटी मोर्चा का जिम्मेवार, डिस्ट्रिक्ट कमेटी का प्रेसिडेंट मुझे चुना गया है। तो मैं आज पूरा डिस्ट्रिक्ट का कमेटी बना रहा हूं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कमेटी के लिए आज प्रत्येक विधानसभा से चार आदमी करके दिया जा रहा है। ये चार आदमी का एक डिस्ट्रिक्ट का कमेटी बनेगा। एक कमेटी बनने के बाद में प्रत्येक ब्लॉक का हिसाब है, आठ विधानसभा है, आठों विधानसभा में फिर ब्लॉक कमेटी बनेगा एसटी मोर्चा का। तो ये आगामी 2021 के चुनाव की तैयारी भी है क्या? 2021 के लिए पूरा तैयारी के साथ में निकलने के लिए अभी से ही तैयार है। क्या नाम है आपका? घूरन उराव, जिला प्रेसिडेंट, जिला का एसटी मोर्चा का प्रेसिडेंट। मीटिंग आपका भाजपा की तरफ से हो रहा है, इसका क्या उद्देश्य है मीटिंग का? उद्देश्य आज यही बात कर रहे गया है तरुण सरकार के अंदर में। आज हमारे जलपाईगुड़ी से आदेश है कि हमारे एसटी मोर्चा को जिला सभापति के रूप में घूरन उराव को चुना गया, उसको विस्तार करने के लिए आज मीटिंग रखा गया। इस मीटिंग हम लोग का मोर्चा सात है, एसटी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, मेजोरिटी मोर्चा, महिला मोर्चा, सब मोर्चा मिला के एक मोर्चा लगा, लेकिन प्रत्येक विधानसभा व्यक्ति एक मतलब कमेटी बनाया जाएगा, ताकि 2021 में हम तिरमूल को खा के फेंक सकें। आपका नाम? मैं सदा उत्तर पूर्व मंडल सभापति। विक्टर जी, आज क्या क्या कार्यक्रम हुआ है? आज का कार्यक्रम हम लोग जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के लिए एकदम तगड़ा लीडर जो है हम लोग का घूरन उराव, हम लोग का एसटी मोर्चा का उसको प्रेसिडेंट अध्यक्ष चुने गए, इसके लिए बहुत बहुत खुश है हम लोग। बंगाल में हम लोग का बीजेपी सरकार एकदम निश्चित रूप से आने वाले, जो भी दादा भाई सबको हम अभी भी बोल रहे हैं, अभी भी जितना इधर उधर हो रहे हैं, अभी सब अपना जगह में आ जाइए और सब एक साथ मिल के हम लोग का पूरा बंगाल को हम लोग अच्छी तरह से हम लोग डेवलप करेंगे, बंगाल के लिए हम लोग का सरकार लाने वाले हैं। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम विक्टर बारला,